और ये तीसरी आंख जो भी राम नाम लेता है, शिव नाम लेता है, कृष्ण नाम लेता है, गुरु नाम लेता है, फालतू नाम कोई लेने से फायदा नहीं होगा। जो ये सिद्ध नाम है, स्वयं सिद्ध नाम है, जिनकी लिस्ट मैंने दी है पहले खंड में, उन नामों में से किसी भी नाम का जब मैं उच्चारण करता हूं, उस पर ये भगवान की तीसरी नेत्र जो है, तीसरी चक्षु जो है, तीसरी आंख जो है शिव शंकर की, ये जलाने का काम नहीं करती उसे, तो उसमें जो दुर्गुण है उन्हें जलाने का काम करती है सिर्फ, जो उसका दुष्ट प्रारब्ध है उसे जलाने का काम करती है, उसे जलाने का काम करती है। लेकिन जो राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम, गुरु नाम, दत्त नाम जैसे पवित्र नामों का, साई नाम ऐसे पवित्र नामों का उच्चारण करता है, उसी के लिए, उसी के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि मेरे में जो सद्गुण है वो गति करे, आगे बढ़ते जाए, और जो दुर्गुण है वो रहे ही नहीं, यानी वो विगति करे, उनकी विगति हो, सद्गुणों की प्रगति हो, मेरे जो संकट है उनकी विगति हो, और मेरा जो आराम है उसकी प्रगति हो, जो मेरा सुख है उसकी प्रगति हो। ये विरुद्ध काम जो है, ये दोनों विरुद्ध काम, यानी एक को गति देना, एक की गति को रोकना, एक चीज को गति देना दूसरी चीज को गति, एक 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 चीज को गति देना और उसी समय दूसरी चीज की गति रोकना, ये दोनों काम करने वाली शक्ति को पुष्टि कहते हैं। हमारे कार में देखिए, क्या ब्रेक और एक्सीलेटर एक ही होता है? नहीं, ब्रेक अलग होता है, एक्सीलेटर अलग होता है। लेकिन वही देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी का बटन होता है घर में, तो उससे ही ऑन किया जाता है, उससे भी ऑफ भी किया जाता है। सो वैसे राधा जी, लेकिन यहां इलेक्ट्रिसिटी का जो बटन है वो क्या करता है, उसी दिए को लगाता है, उसी दिए को बुझाता है, वो फैन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन राधा जी जो है, अलग अलग विरुद्ध शक्तियों वाले गुणों पर, घटनाओं पर, क्रियाओं पर कार्य करती है और उन्हें विरुद्ध दिशा में मोड़ देती है। अब हम तो यही चाहते हैं जिंदगी में, कि सद्गुणों को बढ़ावा मिले, दुर्गुणों की विगति हो जाए। लेकिन ये कब होता है? जब हम उस राधा के पुष्टि स्वरूप को मानकर, उसके इस सामर्थ्य को प्रभावित करने की शक्ति को मानकर, उसे वही सामर्थ्य हम में प्रभावित करने के लिए विनती करते हैं, तब।